गांजा तस्करी करने वाले दो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। पुलिस ने आरोपियों से करीब 20 किलोग्राम गांजा कीमत तकरीबन 2 लाख रुपए जब्त किया। इस संदर्भ में पुलिस निरीक्षक आरएल मीना ने अधिक जानकारी साझा की। पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 9 मार्च को मुबिर खास से सूचना मिली कि ट्रेन नंबर 12146 से गांजे की तस्करी हो रही है। सूचना के अनुसार आशुतोष पांडे वरिष्ठ मंडल सुरक्षा नागपुर के निर्देशानुसार निरीक्षक आरपीएफ नागपुर आरएल मीना एवं निरीक्षक अखुशा नागपुर एसके मिश्रा के मार्गदर्शन में उप निरीक्षक आर के यादव, अश्विन पवार, आरक्षक नवीन कुमार, आरक्षक राजू मीना, आरक्षक सागर लाखे तथा आरक्षक जवाहर सिंह की एक संयुक्त टीम बनाकर प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर ट्रेन नंबर 12146 के जनरल D1 में चेक करने पर गांजा जैसे महक आने पर उक्त कोच को चेक करने पर कोच में बैठे दो व्यक्ति जिनसे पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम रामचल राम सजीवन कुर्मी और राजू लखनलाल कलम बताया तथा उनके पास मिले दो बैग के बारे में पूछताछ करने पर दोनों बैग में गांजा होने का बताया। इसलिए उक्त दोनों व्यक्तियों को बैग के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर नीचे उतार कर ट्रेन में यात्रा कर रहे अन्य यात्रियों से भी पूछताछ की गई। बाद में राजपत्रित अधिकारी कोटा जोजी सहायक सुरक्षा आयुक्त आरपीएफ नागपुर मंडल के समक्ष उप निरीक्षक विनोद खरमाटी द्वारा पंचनामा की कार्रवाई की गई, जिसमें कुल 10 बंडल गांजा जिनका कुल वजन 20.84 किलोग्राम कीमत अंदाजन 2,02,440 रुपए गांजे को अग्रिम कार्रवाई के लिए लोहामार्ग पुलिस नागपुर को सुपुर्द करने पर पकड़े गए उपरोक्त के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला पंजीकृत कर मामले की जांच जारी है। दिनांक 9/3/2022 को मुखबिर खास से सूचना मिले कि ट्रेन नंबर 12146 पूरी LTT एक्सप्रेस में कुछ गांजे की तस्करी की जा रही है। सूचना के अनुसार श्रीमान वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त श्री आशुतोष पांडे साहब के मार्ग निर्देशन में एक टीम गठित की गई, जिसमें मैं नागपुर इंस्पेक्टर और क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर श्री मिश्रा साहब और उप निरीक्षक आर के यादव, सहायक उप निरीक्षक अश्विन पवार और स्टाफ की एक टीम बनाई गई। टीम ने ट्रेन को चेक किया। चेक करने पर ट्रेन के जनरल कोच में D1 कोच में दो व्यक्ति संदिग्ध मिले, जिनके पास से दो व्यक्ति जिनका नाम है रामस जीवन कुर्मी, उम्र 45 ईयर, दूसरा राजू राम लखन लाल कलम, उम्र 38 ईयर, दोनों रहने वाले हरदा मध्य प्रदेश के हैं। उनके पास दो बैग में गांजा बरामद हुआ, जिनका वजन करने पर कुल 20 किलो से ऊपर का गांजा मिला है, जिनकी अंदाजन कीमत 2,04,000 के ऊपर है। और दोनों पकड़े गए आरोपियों को GRP नागपुर को सुपुर्द किया गया है, जहां उनके खिलाफ मादक पदार्थों की तस्करी के तहत जो भी मामला पंजीकृत करके आगे की जांच जारी है। ये उड़ीसा से चढ़े हैं ट्रेन में और यहां नागपुर से होते हुए हरदा जाने वाले थे। ये शायद भुसावल से फिर बाई रोड निकलने वाले थे, ऐसा इनका बताना था। उनकी उम्र क्या है, इनके ऊपर कभी कुछ और कुछ कभी पकड़े गए थे, ऐसा कुछ गुनाह दाखिल है, क्या बताना था? नहीं, मेरे पास अभी इस मामले में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। और शायद उम्र तो इनके अंदाजन एक की 45 ही, दूसरे की 38 ईयर है। उपरोक्त कार्रवाई आशुतोष पांडे वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त के मार्गदर्शन में की गई। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज नागपुर।